नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में। नाज़रीन किराम, PSL इस वक्त दुनिया की चंद मशहूर कंपटीशन रखने वाली क्रिकेट लीग में से एक है। PSL ने खास तौर पर पाकिस्तान और क्रिकेट की दुनिया को बड़े बड़े बॉलर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSL की तारीख के पाँच ऐसे बॉलर के बारे में कि जिन्होंने PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। नंबर पाँच, फहीम अशरफ। नाज़रीन किराम, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पांचवा नंबर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर फहीम अशरफ का है। फहीम अशरफ ने PSL में टोटल 61 मैचेस में 72 विकेट्स हासिल की हैं। इसके अलावा फहीम अशरफ 2021 के PSL में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले खिलाड़ी भी थे। नाज़रीन किराम, फहीम अशरफ ने PSL में तकरीबन 205 ओवर्स तक बॉलिंग करवाई है। इसके अलावा एक मैच में 6 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी फहीम अशरफ के पास भी है। नंबर चार, शादाब खान। नाज़रीन किराम, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर में चौथा नंबर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का है। नाज़रीन किराम, शादाब खान ने PSL में 73 मैचेस खेले हैं और इन 73 मैचेस में 78 विकेट्स हासिल करके इस लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है। नाज़रीन किराम, क्रिकेट की दुनिया में शादाब खान की एंट्री बॉलर के तौर पर हुई थी, लेकिन शादाब खान ने अपनी बैटिंग स्किल्स को बेहतर बनाकर अपना नाम ऑलराउंडर की लिस्ट में भी शामिल कर लिया है। नंबर तीन, शाहीन शाह अफरीदी। नाज़रीन किराम, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ियों में तीसरा नंबर लाहौर क्लंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का है। नाज़रीन किराम, शाहीन शाह अफरीदी ने 63 मैचेस में बॉलिंग करवाकर 89 विकेट्स अपने नाम की हैं। नाज़रीन किराम, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर क्लंदर्स और पाकिस्तान टीम के मेन बॉलर हैं, जो कि हमेशा मुश्किल वक्त में ही अपनी टीम के काम आते हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी एक बेहतरीन कप्तान भी है। लाहौर क्लंदर्स की टीम ने दो मरतबा लगातार शाहीन की कप्तानी में PSL का टाइटल अपने नाम किया है। इसके साथ ही शाहीन शाह अफरीदी PSL की तारीख में दो मरतबा लगातार PSL का टाइटल जीतने वाले पहले कप्तान भी है। नाज़रीन किराम, शाहीन शाह अफरीदी PSL 2020 में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी भी रह चुके हैं। नंबर दो, हसन अली। नाज़रीन किराम, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर्स में दूसरा नंबर हसन अली का है। हसन अली ने PSL की तारीख में टोटल 72 मैचेस में परफॉर्म किया है और इन 72 मैचेस में हसन अली ने टोटल 98 विकेट्स हासिल की है। नाज़रीन किराम, जहां हसन अली की बॉलिंग शानदार है, वहीं इनकी सेलिब्रेशन का स्टाइल भी लोगों में बहुत मकबूल है। हसन अली PSL 2018 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा PSL 2021 में जब पेशावर जलमी ने PSL का टाइटल अपने नाम किया, तो इस वक्त हसन अली पेशावर की टीम का एक अहम बॉलर था। नंबर वन, वहाब रियाज। नाज़रीन किराम, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉलर वहाब रियाज के पास है। नाज़रीन किराम, वहाब रियाज ने PSL के टोटल 88 मैचेस खेले हैं और इन 88 मैचेस में 113 विकेट्स हासिल की हैं। नाज़रीन किराम, वहाब रियाज पेशावर जलमी के कप्तान भी रह चुके हैं और PSL 2017 में पेशावर जलमी को अपनी कप्तानी से ट्रॉफी भी जिता चुके हैं। नाज़रीन किराम, वहाब रियाज आजकल पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसके अलावा वहाब रियाज पंजाब के केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं।